Hello friends, my name is Deepak and today I am back with another video tutorial of Adobe Muse. तो आज के इस video tutorial में मैं आप same video को continue करूँगा जो कैसे आप अपने digital profile को बना सकते हैं. मैंने वो video बनाया था, उसका ये part second है. तो अगर आपने वो part नहीं देखा है, part one, तो आप please जाके उसे देखें, क्योंकि जो मैंने उसमें बताया है उसके कई concept इस पर भी use हुए हैं. तो मैं इस पर फिर से नहीं बताऊँगा, इसलिए आप लोगों को वो video जाके ज़रूर देखें, प्लीज़ देख लो यार. तो उसके बाद आप लोग देखने के बाद फिर वापस आइए और सेम वीडियो को कंटिन्यू कीजिए यहाँ से. तो आज हम लोग बनाने वाले हैं कि होम पेज को कैसे क्रिएट करते हैं. ये देखिए मैंने होम पेज पे ऐसा बनाया, तो इस टाइप से होम पेज बनेगा हमारा. ये प्रोजेक्ट्स है हमारा, प्रोजेक्ट्स के डिटेल्स लिखे हुए हैं. प्रोजेक्ट्स हैं दोस्तों, जो इफेक्ट्स हैं मैं वो नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा आपको. फिर यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ लगाए हुए हैं मेरे. फिर ये देखिए लाइट बॉक्स करके खुल रही है हमारी फ़ोटोज़, नेक्स्ट करने पर नेक्स्ट आ रही है. तो ये सब कैसे बनाते हैं आज हम लोग यही देखेंगे, ठीक है. Let's start. जैसे कि आपने देखा कि पिछले वीडियो में मैंने दो पेज बनाया था, अबाउट एंड होम. तो पिछले वीडियो में मैंने अबाउट पे काम कर चुका हूँ, अब मैं करना है मुझे होम पे, ठीक है. मैं सिंपली होम पे जाता हूँ, होम पेज पे क्रिएट करता हूँ, होम पेज को क्रिएट करना है मुझे. अब मैं क्या करूँगा कि मुझे सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्लेइंग पिक्चर चाहिए एक, ठीक है. जो मैंने अपना डीपी जो अबाउट पेज में लगाया था वो मुझे यहाँ पे चाहिए, और यहाँ पे मेरा नाम चाहिए ताकि देखने वालों को अब बहुत अच्छा लगे. तो ठीक है, मैं अपना यह करता हूँ. परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो पे कैसे करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. उसके बाद क्या कीजिए, आपकी कॉर्नर को सर्कल कर लीजिए और इसे 200% कर लीजिए, ठीक है. उसके बाद आपको इसके अंदर पिक्चर डालनी है, तो मैं पिक्चर डाल देता हूँ. स्केल टू फिट मिडिल, ठीक है, ये सेंटर पे आ चुका है. उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरा नाम चाहिए, तो नाम के लिए मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा अपना, इसे मैं वाइट कर देता हूँ, 30 सेंटर बोल्ड, ठीक है. अब मैं इसे सही जगह पे प्लेस कर दिया, ये मेरा बन चुका है. अब मुझे क्या करना है कि नीचे अपना प्रोजेक्ट डालने हैं. मैं यहाँ पे 4 प्रोजेक्ट एंटर करवाऊँगा, ठीक है. तो अपने प्रोजेक्ट जो हो यहाँ पे प्रोजेक्ट डाल दें और एक्सप्लेन कर दें. तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं. मैं इसे अभी व्यू, इसे पेज को और थोड़ा लंबा कर लेता हूँ मैं. उसके बाद मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, जो कि सेंटर से होगा, और ध्यान रखिए वो 100 ये लाइन से मैच करें, ठीक है. अब मैं इसे सेंटर पे है, ठीक है, 1100 पे है ये, परफेक्ट. उसके बाद सेम आप क्या कीजिए कि इस पर आप कोई भी कलर दे सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए. तो मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ ब्लू. उसके बाद मुझे क्या करना है कि मैं इसे कॉपी करूँगा. आप लोग सिंपल कंट्रोल प्लस सी दबा के कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने किया. या फिर आप सिंपली कंट्रोल अल्ट प्रेस करके आप ड्रैग करके भी इसे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है. इस तरीके से मैंने यहाँ पे 4 बना लिया. अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे टेक्स्ट फाइल देना है, ठीक है. तो मुझे टेक्स्ट फाइल के लिए क्या करना है कि यहाँ पे अभी सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इस पर पिक्चर्स डालना है. अभी इस पर मैं अपने प्रोजेक्ट ऐड करूँगा, तो चलिए प्रोजेक्ट ऐड कर लेते हैं. सिंपल इसे कलर हटा दीजिए, यहाँ पे फिल पे जाइए, उसके बाद ऐड इमेज करके उसके बाद अपने प्रोजेक्ट यहाँ पे एंटर करवा दीजिए. ये आ चुके हैं फिट, परफेक्ट. इस तरीके से आप यहाँ पे इमेज डाल सकते हैं. अब मैं आपको दिखाता हूँ टेक्स्ट यहाँ पे एडिट करना है, क्योंकि मुझे अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि इस ये मेरा प्रोजेक्ट किस टाइप का प्रोजेक्ट है, ठीक है. तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा कुछ इस साइज़ का, इसे आप मैच कर लें इस साइज से, साइड के मैच कर लें. अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इसे ही कॉपी करूँगा कंट्रोल प्लस सी, या फिर डुप्लीकेट करने के लिए आपको पता ही था मैंने जो बताया था, कंट्रोल अल्ट और ड्रैग, ठीक है. इस तरीके से कर लें. अब इसके अंदर प्रोजेक्ट किस टाइप की प्रोजेक्ट है वहाँ पे लिख लें. तो प्रोजेक्ट लिखने के लिए मैं यहाँ पे 30 करूँगा, प्रोजेक्ट टाइम, इसके बाद बोल्ड कर लें इसे, ठीक है, कलर वाइट कर लें. उसके बाद क्या करना है, एंटर स्पेस कर दें और यहाँ यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर दें.
ठीक है कि आपके प्रोजेक्ट किस टाइप के प्रोजेक्ट हैं। तो मैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर दे रहा हूँ और बना के वापस आ रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना सारा प्रोजेक्ट को एंटर करवा लिया है, प्रोजेक्ट सारे डाल दिए हैं और मैंने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन भी कर दिया कि क्या प्रोजेक्ट है मेरा। अब मैं सिंपली क्या करूँगा कि इसे मैं और थोड़ा लंबा करता हूँ। अपने कुछ पिक्चर्स भी मुझे यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, तो मैं इसे और थोड़ा लंबा कर दूँगा और मैं क्या करूँगा, विजिट्स एंड लाइब्रेरी पे जाऊँगा। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है स्लाइड शो, लाइट बॉक्स, और लाइट बॉक्स को यहाँ पे ड्रैग करना है। लाइट बॉक्स को सेंटर पर रख दें और ये सबको एक एक करके क्लिक करके डिलीट कर दें। उसके बाद ये जो लिटिल छोटा सा ब्लू आइकन है इस पर क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक कीजिए और अपनी कुछ पिक्चर्स जो आपने प्रोजेक्ट बनाई है, मतलब जो आप दिखाना चाहते हैं कि आपने एडिट किया है एंड ऑल, तो उस प्रोजेक्ट को यहाँ पे डाल दें। जैसे कि मैं यहाँ पे 4-5 अपने फ़ोटो डालता हूँ जो मैंने एडिट किए। ठीक है, 3 मैंने एडिट कर दिया, ऐड कर दिया, यहाँ पे भी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर्स आ गई हैं, एक और मैं ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद ठीक है, सिंपल मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। ये देखिए मेरे चारों पिक्चर्स आ गए। अब मैं क्या करूँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा और इसे ड्रैग करके बड़ा कर लूँगा। ड्रैग करने से में याद रखिए कि आपके जो शिफ्ट और अल्ट प्रेस होनी चाहिए, तभी ये परफेक्ट इसमें जूम आउट कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि परफेक्ट बैठ जाए उस पर। अब मैं इसे यहाँ पे सेट कर दूँगा। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो मैं इसे क्या करूँगा, सिंपली छोटा कर दूँगा मैं शिफ्ट प्रेस करके। अब जो लाइट बॉक्स है, मैं इसके क्या करूँगा कि इसकी मैं फिल हटा दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे जूम करता हूँ, मैं इसे हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं जूम आउट कर लेता हूँ। उसके बाद इसे फिर आके मैं यहाँ पे रख देता हूँ, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। अब आप ये बात का ध्यान रखें कि ये जो लाइट बॉक्स है ये सेंटर पे हो। ठीक है, सेंटर पे होना बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, तो कोशिश करें कि सेंटर पे हो। अब इसे यहाँ पे रख लें। परफेक्ट, ये हमारा हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपना एड्रेस वगैरह लिख दूँगा। तो एड्रेस वगैरह लिखने के लिए यहाँ पे मैं सिंपली एक बॉक्स बनाया, थोड़ा बड़ा कर ले और इसे विड्थ और हाइट के साथ स्पॉन्सिव कर दें। अब इस पर अपना एड्रेस डाल सकते हैं, लेकिन एड्रेस डालने से पहले मैं क्या करूँगा, इसको मैं कलर कर दूँगा। मैं कलर कर देता हूँ इसे थोड़े इस कलर का। परफेक्ट, ठीक है। तो अब मैं इस पर क्या करूँगा, एड्रेस लिख दूँगा। आप लोग एड्रेस कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं पहले सबसे पहले आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखता हूँ, मोब। इस तरीके से आप अपना एड्रेस फिल कर सकते हैं, इसे वाइट कर लें। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा अबाउट पे और इसकी जो
इसे मैं कॉपी करूँगा, और होम पे पेस्ट कर दूँगा। मैं इसे जूम कर लेता हूँ ताकि मुझे इजी हो जाए। एक पेस्ट, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसे ऐसे दूंगा मैं, तो यहाँ कुछ भी नाम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सब में लिख देता हूँ, स्लैश XOAD फॉन्ट 18, सॉरी स्लैश टीम XOAD, ठीक है। अब सिंपली मैं इसे ड्रैग करके, उप्स, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे एक और वीडियो इसकी बनाऊंगा मैं, पार्ट 3, उसमें मैं आपको सारे इफेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। अगर आपको ये हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू, जय हिंद।